प्रवीण बाबी एक ऐसा नाम है जो भारतीय सिनेमा में महिलाओं के रूढ़िबद्ध प्रतिनिधित्व को तोड़ने के लिए जाना जाता था। 70 के दशक में जब अभिनेत्रियां सलवार सूट और साड़ी पहनकर स्क्रीन पर अभिनय किया करती थी तब प्रवीण बाबी अपना बोल्ड अंदाज दिखाती थी। और आज हम प्रवीण बाबी की बर्थ एनिवर्सरी पर आपको बताते हैं दिवंगत अभिनेत्री के बारे में। बता दें, प्रवीण बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ था। सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए करने के बाद प्रवीण बाबी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी। तभी प्रवीण की मुलाकात फिल्म निर्देशक बीआर इशारा से हुई। कहा जाता है कि प्रवीण बाबी को सिगरेट का कश लगाते देख बीआर इशारा ने तय कर लिया था कि यही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेगी। उसके बाद बीआर इशारा ने पहली बार प्रवीण बाबी को क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र में मौका दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन प्रवीण बाबी का जादू दर्शकों पर चल गया था। कथित तौर पर अभिनेत्री का पहला अफेयर डैनी के साथ था। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तकरीबन 4 साल तक प्रवीण बाबी को डेट किया था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। डैनी के बाद प्रवीण की जिंदगी में कबीर बेदी आए। प्रवीण और कबीर करीब 3 साल तक एक साथ रहे, लेकिन ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद टूटी हुई प्रवीण बाबी को महेश भट्ट का सहारा मिला। ये वो दौर था जब अभिनेत्री बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर थे। कहा जाता है कि महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप के दौरान ही प्रवीण बाबी को पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी हुई थी। वहीं अब बात करें अमिताभ बच्चन की, तो उन्होंने भी प्रवीण बाबी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों के डेटिंग की अफवाहें उड़ी थी। हालांकि जब मीडिया को दोनों के बीच कथित प्रेम की आहट पड़ी तो अमिताभ बच्चन ने ये रिश्ता तोड़ दिया। बाद में प्रवीण ने आरोप लगाया था कि अमिताभ ने उनका अपहरण करने की कोशिश की थी और वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है। अभिनेत्री ने दावा किया था कि अमिताभ बच्चन उनका अपहरण करके उन्हें एक द्वीप पर ले गए थे, जहां अमिताभ ने उनकी सर्जरी की और उनके दाहिने कान के नीचे एक ट्रांसमीटर या चिप लगा दी थी। अभिनेत्री ने अमिताभ के खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया था और उन्हें अदालत में भी घसीटा था, लेकिन जब प्रवीण को पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया का पता चला तो सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया था। बता दें, 22 जनवरी 2005 को प्रवीण बाबी अपने घर में मृत पाई गई थी। जब कई दिनों तक उनके घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट पड़े मिले तब उनके पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पाने के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर से अभिनेत्री का शव मिला। कहा जाता है कि प्रवीण की तन्हाई ही उनकी मौत का कारण बनी थी। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।